कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आपके साथ में भारत के संविधान के पहले भाग को डिस्कस करने वाला हूं। इस भाग का टाइटल है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और इस भाग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक में किया गया है। आज इस वीडियो में हम इन चारों अनुच्छेदों को तो डिटेल में डिस्कस करेंगे ही, इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वर्तमान में जो देश के राज्य हैं और जो संघ राज्य क्षेत्र हैं वो किस तरह से अस्तित्व में आए। इसके अलावा इन सब राज्यों के नामों में जो परिवर्तन हुए वो किस तरह से हुए, और साथ ही साथ राज्यों के गठन में जिन जिन आयोगों का या जिन जिन समितियों का सरकार ने समय समय पर गठन किया, उन सबके बारे में भी हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 से। तो देखिए, अनुच्छेद 1 में संविधान ये घोषणा करता है कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब देखिए, राज्यों के एक संघ शब्द दो बातें बताता है। पहली बात ये कि संघ या देश का नाम क्या होगा, और दूसरी बात देश की शासन पद्धति क्या होगी। अब अगर हम देश के नाम के बारे में बात करें तो संविधान में देश के दो नाम दिए गए हैं, इंडिया और भारत। हमारे देश के दो नाम हैं, हम इंडिया भी कहते हैं और भारत भी कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि देश को आखिर ये दो नाम क्यों दिए गए, इसका क्या कारण है कि देश के दो नाम रखे गए। तो इसका कारण ये है कि संविधान सभा जब संविधान निर्माण कर रही थी, तब संविधान सभा के सदस्य देश के नाम के बारे में एकमत नहीं थे। कुछ सदस्य चाहते थे कि देश का एक आधुनिक नाम यानी कि इंडिया रखा जाए, और कुछ सदस्य चाहते थे कि देश को पारंपरिक नाम यानी कि भारत का नाम दिया जाए। तो अब क्या किया जाए, इसके बारे में हुआ कि एक बीच का रास्ता निकालते हैं और देश के दोनों ही नाम रख देते हैं। तो इसलिए हमारे देश के दो नाम पड़े, इंडिया और भारत। तो ये तो बात थी देश के नाम के बारे में। अब हम बात करते हैं देश की शासन पद्धति के बारे में। तो देखिए, संविधान भारत को राज्यों का एक संघ घोषित करता है। संघ का अर्थ फेडरल सिस्टम से है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में स्पष्ट रूप से शक्तियों का बंटवारा होता है। लेकिन फिर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया, और भारत के लिए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स यानी के संघात्मक राज्य वाक्य का की जगह राज्यों का संघ यानी के यूनियन ऑफ स्टेट्स वाक्य का प्रयोग किया गया। ऐसा करने के दो कारण थे। पहला ये कि भारत संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरे राज्यों को संघ से अलग होने का भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। हमारी व्यवस्था में संघ को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्यों की अपेक्षा संघ को अधिक विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, यहां तक कि अवशिष्ट शक्तियां भी संघ की सरकार के ही पास है। इसके अलावा संघ की सरकार बहुत सारे उपकरणों की सहायता से राज्य की सरकारों पर नियंत्रण रखती है, जैसे कि IAS और IPS सेवाएं हैं, और इसके साथ ही हर एक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति भी संघ को और अधिक शक्तिशाली बनाती है।
ऐसा संविधान निर्माताओं ने क्यों किया? ऐसा उन्होंने देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए किया। इस कारण से उन्होंने संघ को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद एक में भारत के क्षेत्रों को तीन श्रेणियों या तीन वर्गों में बांटा गया है। ये कौन कौन से वर्ग हैं या कौन कौन सी श्रेणियां हैं? ये नंबर एक, राज्यों के राज्य क्षेत्र, नंबर दो, संघ राज्य क्षेत्र, और नंबर तीन, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो कि अर्जित किए जाएं। अब अगर हम पहली दो श्रेणियों के बारे में बात करें तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके क्षेत्रीय विस्तार यानी कि उनके टेरिटोरियल एक्सटेंट के जो बारे में जो वर्णन है वो संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है। इस समय भारत में 29 यानी कि 29 राज्य हैं और 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इन सभी राज्यों और इन सभी संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संविधान के प्रावधानों के द्वारा किया जाता है। केवल जम्मू और कश्मीर ही इसका एक अपवाद है, और जैसे कि हम जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर का अपना एक अलग से संविधान भी है। बस जम्मू और कश्मीर का ही अपना एक अलग से संविधान है, इसके अलावा बाकी किसी भी राज्य का संविधान अलग से नहीं बना हुआ है। तो ये बात तो हमने करी पहली दो श्रेणियों के बारे में, यानी कि राज्य के राज्य क्षेत्र के बारे में और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। अब हम तीसरी श्रेणी के बारे में बात करते हैं, जिसको कि हम अर्जित क्षेत्र यानी कि या अधिग्रहित क्षेत्र कहते हैं। तो अब देखिए, जो भारत है वो एक प्रभुत्व संपन्न देश है, और प्रभुत्व संपन्न देश होने के कारण भारत अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हुए किसी भी क्षेत्र को अर्जित यानी कि अधिग्रहित कर सकता है। उदाहरण के लिए, संविधान लागू होने के बाद से भारत ने बहुत सारे बाहरी क्षेत्रों को अधिग्रहित किया है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, पुडुचेरी और सिक्किम, तो ये जितने भी राज्य हैं या जितनी भी ये संघ शासित क्षेत्र हैं, ये पहले भारत के भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं थे। इनको तो भारत ने स्वतंत्रता के बाद में अर्जित किया है। कोई क्षेत्र फ्रांसीसियों के अधिकार में था, कोई क्षेत्र पुर्तगालियों के अधिकार में था, सिक्किम में चोग्याल वंश का शासन था, तो इसको भारत ने बाद में अपने में मिलाया 22वें राज्य के रूप में। तो इस तरह से इनको हमने बाद में अधिग्रहित किया। तो ये सब बातें जो है इनको संविधान के अनुच्छेद एक में किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद दो पर आते हैं। तो अनुच्छेद दो में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? तो संविधान का अनुच्छेद दो संसद को कुछ शक्तियां देता है, और वो क्या शक्ति है? वो शक्ति ये है कि संसद विधि द्वारा ऐसी शर्तों पर जो कि वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह से अनुच्छेद दो संसद को दो प्रकार की शक्तियां प्रदान करता है। ये दो शक्तियां कौन कौन सी हैं? पहली शक्ति है संघ में नए राज्यों के प्रवेश की शक्ति। उदाहरण के लिए 1975 में सिक्किम को भारत संघ में शामिल किया गया। और दूसरी शक्ति है नए राज्यों की स्थापना की शक्ति, जैसे कि उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना आदि राज्यों को बाद में स्थापना की गई। पहली शक्ति संघ में उन राज्यों के प्रवेश के विषय में है जो कि वर्तमान में अस्तित्व में हैं, और दूसरी शक्ति उन राज्यों की स्थापना के विषय में है जो अभी अस्तित्व में नहीं है। जैसे कि हमने पहला उदाहरण लिया था कि जो राज्य वर्तमान में अस्तित्व में हैं, जैसे कि दादरा नगर हवेली थी है, या सिक्किम है, या
दमन दीव है, ये सब पहले से अस्तित्व में थे जिनको कि भारत ने बाद में अपने संघ में प्रवेश करा लिया। और जो दूसरी शक्ति के बारे में हम बात करें, जैसे कि उत्तराखंड है या छत्तीसगढ़ है या तेलंगाना है, ये राज्य पहले अलग से नहीं थे, ये तो किसी न किसी राज्य का भाग थे, इनको बाद में स्थापना किया गया। तो इस तरह से अनुच्छेद 2 उन राज्यों का के संघ में प्रवेश या उनकी स्थापना के संबंध में है जो कि वर्तमान में भारत संघ का भाग नहीं है। सॉरी। तो ये सब प्रावधान अनुच्छेद 2 में किए गए हैं। अब अनुच्छेद 2 को पढ़ने के बाद में हम नेक्स्ट अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद नंबर 3 पर आते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 3 क्या प्रावधान करता है? संविधान के अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद 3 संसद को कुछ अधिकार देता है और ये 5 प्रकार के अधिकार संसद को देता है। इन 5 शक्तियों को, इन 5 अधिकारों को मैं आपके साथ में एक एक करके अब डिस्कस करता हूं। जो पहली शक्ति अनुच्छेद 3 के द्वारा संसद को दी गई है वो है कि संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ये पहली शक्ति है संसद के पास अनुच्छेद 3 के द्वारा। दूसरी शक्ति है कि संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। तीसरी शक्ति है कि संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। चौथी शक्ति है कि संसद राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। और पांचवी शक्ति है कि संसद राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। तो 5 शक्तियां संसद को संविधान के अनुच्छेद 3 के द्वारा दी गई हैं। इसके अलावा भी अनुच्छेद 3 में इस संबंध में 2 और प्रावधान किए गए हैं। ये कौन कौन से हैं प्रावधान? पहला प्रावधान है कि इन परिवर्तनों के लिए, जो अभी हमने परिवर्तनों की जिनकी बात करी है, 5 प्रकार के परिवर्तनों की हमने बात करी है, तो इन परिवर्तनों को करने के लिए कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। हम जानते हैं कि अगर संसद को इनमें से कोई भी परिवर्तन करना है, फॉर एग्जांपल किसी राज्य का नाम चेंज करना है या कोई भी परिवर्तन करना है, तो उसके लिए पहले सरकार को संसद में विधेयक लाना होता है, फिर वो विधेयक संसद की सहमति के बाद ही कानून बनता है। लेकिन ये विधेयक भी जो है ये भी राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता, ऐसा भी प्रावधान अनुच्छेद 3 में किया गया है। और दूसरा प्रावधान जो अनुच्छेद 3 में किया गया है वो ये है कि राष्ट्रपति जो अपनी सिफारिश करेंगे उससे पहले वो इस विषय पर संबंधित राज्य के विधानमंडल की भी राय लेंगे। जिस भी राज्य के विषय में उपरोक्त में से कोई भी परिवर्तन किया जाना है तो राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल की राय भी इस विषय पर लेंगे, ऐसा भी प्रावधान अनुच्छेद 3 में किया गया है। और ये जो राय है अपनी, ये उस राज्य का विधानमंडल राष्ट्रपति को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत दे देगी। हालांकि यहां एक और भी प्रावधान आगे किया गया है और वो ये है कि राष्ट्रपति या संसद संबंधित विधानमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है और वो इस राय को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। और साथ ही ये भी कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में ऐसी कोई भी राय लेना राष्ट्रपति या संसद के लिए अनिवार्य नहीं है। तो अगर हम देखें, तो अगर हम किसी राज्य की बात करें तो राज्य के विषय में राष्ट्रपति या संसद को संबंधित विधानमंडल की राय लेनी पड़ेगी, लेकिन वो उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। और जो संघ राज्य क्षेत्र है उनके बारे में तो ऐसी राय लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक प्रकार की एक सिर्फ फॉर्मेलिटी ही है
कि भाई आप राय ले लीजिए, बस ले लीजिए, आपको लेना हो तो, बाकी आप माने या ना माने ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से संविधान संसद को शक्ति देता है कि वो राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में उपरोक्त में से, यानी कि जो पांच की अभी परिवर्तनों की बात की गई है, उपरोक्त में से कोई भी परिवर्तन बिना उनकी सहमति के कर सकती है। और इस प्रकार संविधान संसद को यह शक्ति देता है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार देश के राजनीतिक मानचित्र को पुनः निर्धारित कर सकती है। इस तरह संविधान के द्वारा किसी भी राज्य के राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या उसके अस्तित्व की निरंतरता की गारंटी नहीं ली गई है। और यही कारण है कि भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में संघ की सरकार तो राज्यों का विनाश कर सकती है, उनको डिवाइड कर सकती है, किसी को किसी में मिला सकती है, लेकिन राज्यों की सरकार संघ का विनाश नहीं कर सकती है। और अगर हम भारत के संविधान की इस व्यवस्था को अमेरिका के संविधान से कंपेयर करें तो ये हमारी व्यवस्था अमेरिका की व्यवस्था से अलग है, भिन्न है। कैसे अलग है? क्योंकि अमेरिका में संघीय सरकार किसी राज्य की सहमति के बिना उसके संबंध में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती है, और इसी कारण से अमेरिकी संघ को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। तो ये सब प्रावधान अनुच्छेद 3 में किए गए हैं। अब हम आते हैं अनुच्छेद 4 पर। तो अनुच्छेद 4 में देखिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 4 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किसी नए राज्य के संघ में प्रवेश या स्थापना के लिए बनाए गए कानून या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन के लिए बनाए गए कानून को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। जैसे कि हम जानते ही हैं कि उपरोक्त में से कोई भी परिवर्तन करने के लिए संविधान की पहली और चौथी अनुसूचियों में संशोधन किया जाना आवश्यक है, लेकिन ऐसे कानून को संसद साधारण बहुमत से और साधारण कानून निर्माण प्रक्रिया से बना सकती है, उसके लिए 368 के अंतर्गत संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये पॉइंट एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी पैदा होता है। और वो क्या सवाल है? वो सवाल ये है कि क्या संसद की किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने की शक्ति में कोई भारतीय क्षेत्र किसी अन्य देश को सौंपने की शक्ति भी शामिल है? इसका मतलब यह है कि क्या संसद भारत का कोई भी क्षेत्र किसी भी और देश को, किसी भी अन्य देश को सिर्फ साधारण बहुमत से कानून बनाकर सौंप सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल जो है ये सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के सामने निर्णय के लिए लाया गया था 1960 में, तब जबकि भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक क्षेत्र है जिसको कि हम बेलूबारी यूनियन के नाम से जानते हैं, तो उस क्षेत्र को भारत सरकार ने पाकिस्तान को सौंप दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद की किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने की शक्ति में देश के किसी भी क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपा जाना शामिल नहीं है। कोई भी भारतीय क्षेत्र किसी भी अन्य देश को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करके ही सौंपा जा सकता है। ऐसा सरकार नहीं कर सकती कि संसद में उन्होंने एक साधारण बहुमत से कानून बनाया, साधारण कानून निर्माण प्रक्रिया से कानून बनाया और देश के किसी भी हिस्से को किसी भी बाहरी देश को सौंप दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए तो
हमको सरकार को 368 अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा। और इसी कारण से 9वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1960 के द्वारा ही बेरुबारी यूनियन को पाकिस्तान को सौंपा गया था। तो दोस्तों, ये वाली बातें हमने संवैधानिक जो अलग अलग संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं भारत के राज्य के क्षेत्रों के बारे में और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि हम कुछ आगे भी इसमें डिस्कशन करने वाले हैं, और वो ये है कि जो वर्तमान में हमारे राज्य हैं और जो हमारे संघ राज्य क्षेत्र हैं, यानी कि जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, वो किस प्रकार से अस्तित्व में आई, किस प्रकार से बनी हैं, तो उनको भी मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। और उनको डिस्कस करने के लिए हमको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, जब स्वतंत्रता प्राप्ति हमको हुई थी तो उस समय की हम बात करते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत दो प्रकार की राजनीतिक इकाइयों में बटा हुआ था। जिस समय 1947 में भारत आजाद हुआ, तो उस टाइम पे देश में दो तरह की राजनीतिक इकाइयां थी। वो कौन कौन सी थी? पहले तो ब्रिटिश प्रांत थे, जो कि ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में थे। और दूसरे कौन सी इकाई थी? दूसरी इकाई थी वो देशी रियासतें थी, जिन पर देशी राजाओं का अधिकार तो था, लेकिन वो ब्रिटिश पैरामाउंसी यानी या ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे। उन राजाओं का पूरी तरीके से उन रियासतों पर कंट्रोल नहीं था। तो 1947 तक ये दो प्रकार की इकाइयां भारत में मौजूद थी। उसके बाद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब बना 1947 का, तो उसके द्वारा दो अलग और स्वतंत्र अधिराज्यों का निर्माण किया गया, जो डोमिनियंस जिनको हम कहते हैं, भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। और जब भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तो इस अधिनियम के अंतर्गत ये जो दो प्रकार की इकाइयां थी, जिसमें कि देशी रियासतें थी, तो उनको तीन प्रकार के विकल्प यानी कि तीन प्रकार के ऑल्टरनेटिव्स दिए गए। वो क्या क्या ऑल्टरनेटिव उनको दिए गए? पहला विकल्प था कि आप या तो चाहें तो आप भारत में शामिल हो जाइए, अगर आप चाहें। दूसरा विकल्प था कि आप चाहें तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। और तीसरा विकल्प उनके सामने ये था कि आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। जब बंटवारा हुआ तो उसके अनुसार भारत की भौगोलिक सीमाओं में कुल मिलाकर के 552 यानी कि 552 रियासतें आई। उनमें से 549 रियासतों ने भारत संघ में शामिल होना स्वीकार कर लिया और वो भारत संघ में शामिल हो गए। बस तीन ही रियासतें ऐसी थीं जो कि भारत में शामिल नहीं हुई। उन्होंने कहा हम तो इंडिपेंडेंट ही रहना चाहते हैं। ये कौन कौन सी रियासतें थीं? ये थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। इन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में इनको भी भारत संघ में शामिल कर लिया गया। और किस प्रकार से शामिल किया गया? हैदराबाद को तो जैसे हम जानते हैं कि पुलिस एक्शन इनके पुलिस कार्यवाही के द्वारा किया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह करा के यानी कि रेफरेंडम के द्वारा जूनागढ़ को शामिल किया गया। और कश्मीर को विलय दस्तावेज यानी कि लेटर ऑफ एक्सेशन के द्वारा भारत संघ में शामिल किया गया था। उसके बाद 1950 में जब संविधान बना, संविधान लागू हुआ, तो संविधान के द्वारा भारत संघ के राज्यों को चार श्रेणियों में बांटा गया। पहले दो थी, अब चार श्रेणियां बनाई गई, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के राज्य। इन राज्यों की कुल संख्या 29 थी, 29 थी। अब पार्ट ए में कौन से राज्य शामिल थे? पार्ट ए में जो शामिल थे वो थी तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर के द्वारा शासित प्रदेश, इनकी संख्या 9 थी। पार्ट बी राज्यों में वो तत्कालीन रियासतें शामिल थीं जिनमें विधायिका भी थी, इनकी संख्या भी 9 थी। पार्ट सी राज्यों में तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया के चीफ कमिश्नर के द्वारा शासित प्रदेश और कुछ तत्कालीन रियासतें शामिल थीं,
इनकी कुल संख्या 10 थी और ये केंद्रीय प्रशासन के अधीन थी। और एंड में जो पार्ट डी स्टेट्स थे, पार्ट डी राज्य थे, उनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते थे। तो ये 1950 तक जो देश में राजनीतिक इकाइयां बनाई गई वो इस आधार पर चार श्रेणियों में उनको बांटा गया। अब हमें आगे बात करनी है कुछ आयोगों की, कमीशंस की, या फिर जो समिति बनाई गई, क्योंकि हमने ये पढ़ना है अब कि देश में किस तरह से जो वर्तमान राज्य हैं वो किस तरह से अस्तित्व में आए। तो उसके लिए धीरे 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 करके कुछ इस तरीके की मांगे उठने लगी कि अब देश में जो राज्य हैं उनका पुनर्गठन किया जाना चाहिए, और ये पुनर्गठन किस आधार पर किया जाना चाहिए, ये पुनर्गठन किया जाना चाहिए भाषा के आधार पर, यानी कि जिस जगह के लोग कोई एक खास किसी पर्टिकुलर भाषा को बोलते हैं तो उनकी भाषा के आधार पर ही एक अलग राज्य का निर्माण कर देना चाहिए, ऐसी मांगे देश में उठने लगी थी। और खास तौर से ऐसी मांग साउथ के यानी कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों से उठने लगी थी। तो इन मांगों को कंसीडर करने के लिए, इन मांगों के ऊपर विचार करने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई जिसको हम धर आयोग या धर कमीशन के नाम से जानते हैं। तो भारत की सरकार ने 1948 में एसके धर की अध्यक्षता में लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन का गठन किया, और इस आयोग की या इस कमीशन के गठन का उद्देश्य था कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना संभव है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दिसंबर 1948 में सौंपी, और इस रिपोर्ट में आयोग ने भाषा के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार बनाने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि भाई राज्यों का पुनर्गठन तो हम कर सकते हैं, लेकिन इस पुनर्गठन का आधार भाषा नहीं होना चाहिए बल्कि प्रशासनिक सुविधा होनी चाहिए। जिस तरह से हमको प्रशासन में सुविधा हो उस तरह से हम राज्य में डिविजन कर सकते हैं, उनका पुनर्गठन कर सकते हैं, लेकिन भाषा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। अब जब ये धर कमीशन की रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट से लोगों को संतुष्टि नहीं हुई, ये मांग और भी उग्र हो गई। तो दोबारा से इस मांग पर विचार करने के लिए एक और कमेटी का निर्माण किया गया जिसको कि हम जेवीपी कमेटी के नाम से जानते हैं। जो जेवीपी कमेटी है उसको सरकार ने दिसंबर 1948 में स्थापित किया, और इस कमेटी का जो उद्देश्य था वो यही था कि इसी मुद्दे पर वो दोबारा से विचार करे। इस कमेटी में 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन तीनों के नामों के जो पहले अक्षर हैं, जवाहरलाल नेहरू का जे, वल्लभ भाई पटेल का वी और पट्टाभी सीतारामैया का पी, तो इन पहले अक्षरों को लेकर के जेवीपी हो गया, तो जेवीपी कमेटी इसका नाम रखा गया। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को अप्रैल 1948 में सौंपी, और इस रिपोर्ट में भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। इन्होंने भी कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए राज्यों का पुनर्गठन। हालांकि 1953 में भारत सरकार को आंध्र प्रदेश के रूप में भाषा के आधार पर पहले राज्य को बनाना पड़ा। ऐसा मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके किया गया। तो देखिए, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा, ऐसा क्यों सरकार की मजबूरी हुई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस का शासन था, और कांग्रेस के एक बहुत प्रभावशाली नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। तो वो जो नेताजी थे उन्होंने इसी उद्देश्य के लिए कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बनाया जाए मद्रास से अलग करके, उन्होंने एक अनशन शुरू कर दिया और 56 दिनों तक वो अनशन करते रहे, उपवास करते रहे, और 56 डेज के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये
सरकार के ऊपर बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ा, जिसके कारण से उनको आंध्र प्रदेश को मद्रास से अलग करके बनाना पड़ा। अब हम अगले कमीशन की बात करते हैं, जिसको कि फजल अली कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो अब इस फजल अली कमीशन का निर्माण क्यों करना पड़ा? अब क्या हुआ कि जब आंध्र प्रदेश का निर्माण हो गया तो इसका प्रभाव क्या हुआ कि भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग और भी तेज हो गई, और राज्य भी आ गए कि हमें भी, और लोग भी आ गए कि हमारे भी विभाजन किया जाए, हमको भी अलग राज्य प्रदान किया जाए। तो इसके कारण से सरकार ने दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यों वाले राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी कि जिसको कि हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहते हैं, उसका गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष फज़ल अली थे, और इसके गठन का उद्देश्य राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे को दोबारा से विचार करना था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सितंबर 1955 में पेश की, और मोटे मोटे तौर पर भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। हालांकि आयोग ने एक भाषा एक राज्य के विचार को स्वीकार नहीं किया। और ऐसा क्यों किया? ऐसा किया गया देश की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इतनी सारी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं तो पता चला कि हर भाषा के आधार पर एक राज्य का निर्माण हो गया तो देश की अखंडता का क्या होगा। तो इस कारण से एक भाषा एक राज्य का तो प्रस्ताव नहीं माना गया, लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर यह माना गया कि चलो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण कर देते हैं। आयोग ने यह भी सिफारिश करी कि जब मौलिक संविधान, मूल रूप से जब संविधान बना था, तो उसके अंतर्गत जो बनाई गई राज्यों की 4 श्रेणियां थी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ए बी सी और डी श्रेणियां थी, उनको समाप्त कर दिया जाए और उनके स्थान पर 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित यानी कि संघ शासित क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। फज़ल अली कमीशन की सिफारिशों को सरकार ने थोड़े बहुत मामूली से बदलावों के साथ में स्वीकार कर लिया, और इस तरह राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और सातवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा सरकार ने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी राज्यों के बीच के अंतर को खत्म कर दिया। इनमें से कुछ राज्यों को तो निकटवर्ती राज्यों के साथ में विलय कर दिया गया, और कुछ को संघ राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया। और इस तरह से 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का निर्माण किया गया। तो ये वाली बात जो अब तक हमने देखी वो थी 1956 से पहले तक किस तरीके से राज्यों का गठन हुआ। उसके बाद में 1956 के बाद में भी राज्यों का पुनर्गठन चालू रहा, क्योंकि अब एक मांग चल चुकी थी कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, तो भाषा के आधार पर भी हुआ, और भी कई कारण रहे जिनकी वजह से 1956 के बाद में किस तरीके से सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र जो हैं वो अस्तित्व में आए, अब इनको स्टडी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इनमें बनने वाले राज्य थे महाराष्ट्र और गुजरात। 1960 में स्टेट ऑफ बॉम्बे का विभाजन करके 2 अलग अलग राज्यों का निर्माण किया गया, मराठी भाषा बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषा बोलने वालों के लिए गुजरात बनाया गया। फिर दादरा और नगर हवेली बने। 1954 में अपनी स्वतंत्रता से पहले ये एक पुर्तगाली शासित प्रदेश था दादरा और नगर हवेली। 1961 तक इसका प्रशासन जनता के द्वारा चुने गए एक प्रशासक के द्वारा किया जाता था। फिर 1961 में इसको एक संघ राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया। फिर गोवा, दमन और दीव का नंबर आता है। तो 1961 में इन क्षेत्रों को पुलिस के द्वारा पुर्तगालियों से अर्जित किया गया, पुलिस कार्रवाई की गई, ये पहले पुर्तगालियों के
के प्रशासन के अंतर्गत आते थे, तो इसको हमने पुलिस कार्यवाही के द्वारा पुर्तगालियों से अर्जित कर लिया। 1962 में इनको संघ राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया और उसके बाद 1987 में गोवा को एक राज्य और दमन और दीव को एक संघ राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया। फिर पुडुचेरी बनी। पुडुचेरी क्या थी? पुडुचेरी फ्रांसीसी क्षेत्रों पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम को मिलाकर के बनी थी। चार राज्य थे जो कि फ्रांसीसियों के अंतर्गत थे, उनके कंट्रोल में थे, उनको मिलाकर के पुडुचेरी का निर्माण किया गया। 1954 में फ्रांसीसियों ने इसको भारत को सौंप दिया। 1962 तक इसको एक अर्जित क्षेत्र माना गया और 1962 में इसे संघ राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया। उसके बाद में नागालैंड बना। 1963 में इसको असम से नागा हिल्स यानी कि नागा पहाड़ियां जो है और त्विनसंग एरिया को अलग करके बनाया गया। फिर हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश बने। 1966 में पंजाब का विभाजन किया गया और पंजाब का विभाजन करके हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण किया गया। ऐसा क्यों हुआ? पंजाब को क्यों बांटना पड़ा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अकाली दल ने पंजाबी भाषियों के लिए एक अलग राज्य जिसको कि उन्होंने पंजाबी सूबा का नाम दिया था उसको बनाने की मांग उठाई और इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार को पंजाब का विभाजन करना पड़ा। इस विभाजन को करने के लिए सरकार ने एक और कमीशन यानी कि जिसको हम शाह आयोग या शाह कमीशन के नाम से जानते हैं उसका गठन किया था और शाह आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने क्या किया कि पंजाबी भाषी लोगों पंजाबी भाषी क्षेत्र जो थे उनको पंजाब को दे दिया, हिंदी भाषी क्षेत्र जो थे उनको हरियाणा को दे दिया और जो पहाड़ी क्षेत्र थे उनको हिमाचल प्रदेश संघ शासित क्षेत्र को दे दिया गया। उस वक्त 1966 में जब पंजाब का विभाजन हुआ तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश राज्य नहीं था, उस वक्त हिमाचल प्रदेश को एक संघ शासित क्षेत्र ही बनाया गया था। बाद में 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। फिर बने मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय बनाए गए और इसके साथ ही दो नए संघ राज्य क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी अस्तित्व में लाया गया। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय को असम के क्षेत्रों का विभाजन करके बनाया गया था। फिर सिक्किम बना 1975 में। और सिक्किम कैसे बना? सिक्किम, यहाँ के सिक्किम के जो लोग थे उनकी मांग पर सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। भारत संघ में शामिल होने से पहले सिक्किम में अलोकप्रिय यानी कि अनपॉपुलर चोग्याल वंश, चोग्याल डायनेस्टी थी, उसका प्रशासन था, लेकिन सिक्किम के लोग उस राजा से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने भारत से मांग की, भारत सरकार से मांग करी कि सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया जाए। तो 1975 में सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। फिर बने मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 1987 में ये तीन राज्य बने। पहले मिजोरम की बात करते हैं, तो मिजोरम एक संघ राज्य क्षेत्र था जिसे 1986 में राज्य का दर्जा मिला। ऐसा कैसे हुआ, इसको राज्य का दर्जा किस आधार पर मिला? ऐसा भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच में मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट पर हस्ताक्षर करके किया गया। ये जो एक समझौता हुआ, सेटलमेंट हुआ, इसको हम मिजो शांति समझौते के नाम से भी, मिजो पीस अकॉर्ड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश पहले एक संघ राज्य क्षेत्र था, हमने पहले ही पढ़ा है। और फिर गोवा, गोवा को दमन और दीव से अलग करके बनाया गया था। उसके बाद में बनने वाले राज्य हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जो कि 2000 में बने।
छत्तीसगढ़ को बिहार से अलग होकर के बनाया गया, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया और झारखंड को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया। और आखिरी बनने वाला जो राज्य है भारत में वो तेलंगाना है। ये 2014 में अस्तित्व में आया और इसको आंध्र प्रदेश के भागों को विभाजित करके बनाया गया है। तो ये हमने पढ़ा राज्यों के गठन की एक कहानी। अब एक छोटी सी बात हमको और पढ़नी है और वो ये है कि राज्यों के नामों में भी स्वतंत्रता के बाद से परिवर्तन होता रहा है, इनके नामों में चेंज करते गए गवर्नमेंट। तो इसकी एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं क्या है। और वो ये है कि सबसे पहले जिस राज्य का नाम चेंज हुआ, जिस राज्य के नाम में परिवर्तन हुआ, वो था 1950 में संयुक्त प्रांत, यानी कि जिसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे, उसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश रखा गया। तो जो उत्तर प्रदेश भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, उसका नाम 1950 से पहले तक यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत था। इसके बाद में 1969 में मद्रास का नाम बदल करके तमिलनाडु रखा गया और फिर 1973 में मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक और साथ ही लक्कादीप, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीपों का नाम बदल करके लक्षद्वीप रखा गया। फिर 1992 में 69th संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि 1991 में बनाया गया, उसके द्वारा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली का दर्जा दिया गया। हालांकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, दिल्ली अभी भी एक अर्धराज्य के ही रूप में है। उसके बाद में 2006 में उत्तराचल का नाम बदल दिया गया, उत्तराचल का नाम बदल उत्तराखंड रखा गया और इसी साल पांडिचेरी का नाम बदल करके पुडुचेरी रखा गया। और फिर अंत में 2011 में उड़ीसा का नाम बदल के उड़ीसा रखा गया। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपके साथ में जो हमारे संविधान का पहला भाग है उसको मैंने आज इस वीडियो में आपके साथ में डिटेल में डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया कि इस विषय में संविधान में क्या क्या प्रावधान है, 1, 2, 3, 4 जो अनुच्छेद हैं संविधान के उनमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं उनको हमने पढ़ा। इसके साथ ही हमने ये पढ़ा कि जो वर्तमान राज्य और वर्तमान संघ राज्य क्षेत्र है वो किस तरह से अस्तित्व में आए हैं। साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि ऐसे कौन कौन से आयोगों को का और समितियों का गठन किया गया जो कि इन राज्यों के निर्माण में जिनका कि कोई ना कोई योगदान था। और इसके साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि राज्यों के नामों में परिवर्तन किस प्रकार से हुआ। तो ये सब मैंने आपके साथ में इस वीडियो में डिस्कस किया और मुझको उम्मीद है कि आपके लिए ये सब डिस्कशन मेरा किसी न किसी रूप में यूजफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।